तो लो भाई, यहाँ पर पेंटिंग काम ने डबल हाथ कर दिया है। ये सारा कलर डबल हाथ कर दिया है। डबल हाथ मतलब टू कोट कर दिया है। ये मॉडवर्क पेंटिंग जो शुरू है उसका डबल हाथ कर दिया है। ये मिट्टी वाला कलर, शेड क्रीम कलर, ग्रीन कलर, रेड, येलो, ब्लू, ये सारा कलर डबल हाथ हो चुका है। पहले हमने एक हाथ किया था। पेंटिंग में बेस कोट के बाद का ये दूसरा हाथ कलर है। नीचे मारुति लिखा हुआ है। पेंटिंग का काम चल रहा है तो आप देख सकते हैं ये सारा डबल हाथ किया हुआ है। इसके बाद हम अब पेंटिंग शुरू करेंगे। यहाँ पर लिखना है मारुति। और पेंटिंग का यही एक काम शुरू है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर दूसरा भी काम शुरू है पेंटिंग का। चलो वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये रहा वो पेंटिंग। ये है कुदरती सौंदर्य वाला पेंटिंग है। इसमें यहाँ पर कुआ बना हुआ हुआ है, पनिहारिया खड़ी है, यहाँ पर मटके बने हुए हैं, ये वाला मटका है, और ये सब ये कुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक कुआ बना हुआ है। यहाँ पर पेड़ बनेंगे कुदरती सौंदर्य, और नीचे का बेस है कुएं का बेस है, ये पानी का कुआं बना हुआ है। ये सब ट्रेडिशनल पेंटिंग है तो इसका भी वर्क चालू है। दोनों पेंटिंग का साथ में काम चालू है। यही एक काम नहीं है, आगे भी बहुत सारा काम एक साथ चला हुआ है। एक मडवर्क का घड़ी बना हुआ है, वो भी काम शुरू है। उसका भी ड्राइंग में वीडियो, ड्राइंग का वीडियो डाल चुका हूँ। ये वाले पेंटिंग का भी ड्राइंग का वीडियो में डाल चुका हूँ, और इसका ड्राइंग का वीडियो में नहीं बना पाया। और ये भी बेस कोट हो चुका है, उसके बाद डबल कोट हो चुका है। इसमें मैं मोटा मोटा बता दूँ, ये फेस में भी बेस कोट लगाया हुआ है। ये सारा डबल हाथ कलर हो चुका है। ये दो मटके बने हुए हैं, यहाँ पर भी दो मटके हैं, क्योंकि पनिहारी का सीन है तो पनिहारी के हिसाब से ये पेंटिंग बनाया गया है। और इसके साथ साथ ये भी 1x1 फिट के जो उल्टे पड़े हुए हैं ये रेडी है। दोनों साथ साथ बहुत सारा वर्क एक साथ हो रहा है, पर मैं आपको जो दिखा सकता हूँ उतना ही दिखाऊंगा ये वाला। और ये घड़ी का मैंने ड्राइंग वीडियो डाल दिया है, वो भी आप देख पाएंगे घड़ी कैसे बनती है मडवर्क में। तो उसका भी प्रोसेस मैं आपको दिखाता चलूँगा। तो ये हो गया है पूरा, तो इसको करते हैं पैक। बॉक्स रेडी है, हुक लगाना बाकी है। हुक लगाकर ये वाला पेंटिंग पहले चालू करेंगे, उसके बाद ये वाला पेंटिंग करेंगे। दोनों साथ साथ बनाते जाएंगे और आपको दिखाता जाऊंगा। कई लोग पूछते हैं आप वर्कशॉप दिखाओ, तो यही मेरा वर्कशॉप है, यहीं पर ही मैं काम करता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ गणेश जी पड़े हुए हैं, ये वाले आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे गणेश जी हैं ऐसे वाले, अलग अलग कलर में। ये ग्रीन कलर में है, ये है पिंक में, ये ऑरेंज में, ऑरेंज ग्रीन ब्लू ऐसे वाले सारे कलर्स अवेलेबल है। जो वर्क शुरू है, बहुत सारा वर्क एक साथ शुरू होता है, सबका साथ साथ दिखाना मुमकिन नहीं है। वर्कशॉप दिखाई ऐसा बोल रहे थे, तो ये रहा हमारा वर्कशॉप, पूरा पूरा का पूरा वर्कशॉप है ये। ये यहाँ सारे कलर पड़े हुए हैं, ये मेरे औजार हैं सारे जो मैं औजार रखता हूँ। ये सारे रॉ मटेरियल है, इसमें भी सारे रॉ मटेरियल है,
इधर बॉक्स पड़े हुए हैं, पैकिंग का मटेरियल अवेलेबल होता है। ये अमेज़ॉन का पैकिंग मटेरियल है। पेपर चाहिए, बिल बुक वगैरह सब कुछ मैं इधर रखता हूँ। सारे ये सारे मिरर के बॉक्स है, इसमें सारे बहुत कुछ जितने भी डिब्बे पड़े हैं वो सब मिरर है। ये मिट्टी का काम हो चुका है, ये वाला ये मिट्टी का काम हो चुका है। इसमें ये 25 नंबर का फ्रेम है, मॉडर्न मिरर वर्क में 25 नंबर का फ्रेम है, 1x1 फीट में उसका काम शुरू है। ये सारे 25 नंबर के फ्रेम हैं। और एक ये भी है, ये सिर ये फोटो फ्रेम है, 8x12 इंच के लिए फ़ोटो फ्रेम है। देखिए इसमें बारीक पत्ती बनी हुई है, इसमें मिरर यहाँ पर मिरर साफ़ किए हुए हैं, ये मिरर साफ़ करने बाकी है, आप देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ है फ़ोटो फ्रेम, ये फ़ोटो फ्रेम है। यहाँ से 8 इंच, यहाँ से 12 इंच का फ़ोटो इसमें लगेगा। ये उसका पीछे का साइड है, कलर लगाना बाकी है। तो ये है मेरा वर्कशॉप, और वर्कशॉप की दीवारों में ये सारे पेंटिंग बने हुए हैं, ये सारे पेंटिंग बने हुए हैं। मैंने सारे फोटोग्राफ्स दीवार पे चिपका दिए हैं। मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, ये बहुत सारा डिज़ाइन है जो मैं पहले बनाता था, आज भी बना रहा हूँ। तो उसके सारे फोटोग्राफ्स लगे हुए ये मेरे वर्कशॉप में हैं, बहुत सारे फोटोग्राफ्स ऐसे हैं जो दीवार पर लगे रहते हैं, क्योंकि कोई आएगा तो उसको दिखाने के लिए ये लगाना पड़ा है मुझे। बार बार एल्बम खोलना फिर दिखाना, मोबाइल खोलना फिर मोबाइल में दिखाना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सारा दीवार में चिपका दिया। ये बहुत सारे पेंटिंग्स हैं दीवार में चिपका दिए हैं, ऐसे ही यहाँ दीवार पर है वो भी देख लीजिए, यहाँ पर है ये वाले। ये शेष माता का पेंटिंग मैंने बनाया था, इसका पूरा ये रहा फोटोग्राफ। हाँ ठीक है, ये शेष माता का पेंटिंग है, ये फ्लेमिंगो बना हुआ है, ये कुछ बियर की बोतल वगैरह बनाए हुए हैं। विदेश से लोग आते हैं वो कुछ ऐसा पसंद करते हैं, तो उसके लिए मैंने ये मडवर्क पेंटिंग बनाया है। ये स्वामीनारायण भगवान है, एक जैर का लोगो है, 12x6x4 फुट का लोगो है, और ये है 3x4 फुट का स्वामीनारायण भगवान। ये कुछ ऐसा पेंटिंग है, एक बकरी का बच्चा मर गया है तो दोनों लड़कियां रो रही है। ये कच्ची ट्रेडिशनल पेंटिंग है मडवर्क, थोड़ी लाइट आ रही है तो अच्छा नहीं दिखेगा, चलो थोड़ा। हाँ अब ठीक है, हाँ दिख गया। ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बनाया गया पेंटिंग है, ये भी एक कुदरती सौंदर्य है। ये शेष माता का है, ये कुदरती सौंदर्य है। ये भी एक वॉल में बनाया गया पेंटिंग है, 4x8 फुट का पेंटिंग है। सारे पेंटिंग अलग अलग है। ये है श्रीनाथ जी, ये पेंटिंग बना हुआ है ऐसा, ये भी 4x8 फीट का पेंटिंग है। यहाँ पर खोड़ियार माता जी का पेंटिंग बना हुआ है। ये सारे फ्रेम पहले हम बना चुके हैं उसके फोटोग्राफ से, आप देख सकते हैं। ये जितनी भी ट्रेडिशनल डिजाइन रहती है उसके फोटोग्राफ से, ये तोरण बनाया हुआ था,
ये भी यहाँ पर श्रीनाथ जी बने हुए हैं। ये वाले भगवान यीशु, ये सारे पेंटिंग्स बने हुए हैं, सारे पेंटिंग्स के फोटोग्राफ है। ये भी एक फोटो फ्रेम है, ऐसे पेंटिंग सारे बने हुए हैं। ये है किंगफिशर लोगो, जिसका लोगो मैंने बनाया था किंगफिशर का। ये वाला गणेश जी, ये सारे पेंटिंग्स बने हुए हैं। ये कुछ ट्रेडिशनल पेंटिंग है। ये सारे पेंटिंग हम पहले बना चुके हैं, जिसकी फोटोग्राफ मैंने दीवार में लगा रखा है। ये गणेश जी है, ये टाइगर है। आगे वीडियो में आपने टाइगर का भी अलग अलग वीडियो देखा होगा, फोटोस देखे होंगे। ये गणेश जी है, जैसे बत्तख बने हुए हैं। ये भी एक श्रीनाथ जी है, ये पेंटिंग्स। ये भी ट्रेडिशनल पेंटिंग है जो मैंने बनाया था, वही पेंटिंग इसमें बनाएंगे। ये गुलदस्ता बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये हाथी वाला मडवर्क का फ्रेम अभी बन के तैयार हुआ है, रेडी है। अभी इसमें भी हुक लगाना, कलर लगाना बाकी है। ये सब हुक लग चुके हैं इसमें। ये मडवर्क में दरवाज़ा बनाया हुआ है, ये मडवर्क का दरवाज़ा है, देख लो भाई। ये मिट्टी से बनाया हुआ गेट है, घर का दरवाज़ा। ये भी एक पेंटिंग है जो रात का व्यू बताता है, रात का। ये भी एक पेंटिंग है जो रात का व्यू बताता है, लेडी खड़ी हुई है। ये आगे एक पेंटिंग था उसका दूसरा वर्जन। यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स बने हुए हैं। ये पोर्ट है, ये सारे पोर्ट है। ये एक कुदरती सौंदर्य है, ये भी एक कुदरती सौंदर्य है। यहाँ पर गणेश जी बने हुए हैं, ये भी एक डिजाइन है। यहाँ पर राधा कृष्ण बने हुए हैं, यहाँ पर राधा कृष्ण बने हुए हैं। ये गणेश जी का ड्राइंग का फोटो है, ये छत का फोटो है, ट्रेडिशनल भूंगे की छत के फोटो है। ये दरवाजे का मडवर्क का काम है, दरवाजे के ऊपर ये तोरण का काम है। ये सारा ये गणपति जी बने हुए हैं ड्राइंग। ऐसा हमने बोर्ड बनाया था 40 फीट का, 3 फुट बाय 40 फीट का बोर्ड बनाया हुआ था। ये महाभारत का रथ है, हमारे श्री कृष्ण जी, ये स्वामीनारायण भगवान। ये कुदरत सौंदर्य वाला सीन। ये भी एक वॉल में बनाया हुआ मडवर्क पेंटिंग है। ये है पूनम का, राधा कृष्ण का रास, शरद पूनम का रास। ये एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है। ये बेड के ऊपर बनाया हुआ मडवर्क डिजाइन है, बेड के ऊपर बनाया हुआ। ये भी एक डिजाइन बना हुआ है, 3 फुट बाय 8 फीट का। ये केयर वाला लोगो, ये दूसरा वर्जन शरद पूनम पेंटिंग का। ये जो पेंटिंग पहले आपने देखा उसका ये दूसरा फोटोग्राफ है। इसके अपोजिट सामने ये वाला पेंटिंग बना हुआ है, ये थोड़ा कट गया है। तो ऐसा है कुछ मेरा वर्कशॉप। यहाँ पर एक फ्रेम लगी हुई है सारी। यहाँ पर गणेश जी बने हुए हैं, ये मडवर्क में है। यहाँ पर एक फ्रेम लगी हुई है 15 बाय 15 इंच की, ये भी 15 बाय 15 इंच की फ्रेम है।
मड वर्क में, एक ये वाली लगी हुई है, ये 18x24 इंच का फ्रेम है, ये 12x24 का है, ये 15x15 है, ये भी 15x15 है, 18x24 इंच का ये मड वर्क डिज़ाइन है, ये 12x24 का है। और ये वाला मेरा होम थिएटर है जो मैं बजाता रहता हूँ, ये होम थिएटर है। ये वूफर है, ये एम्पलीफायर बॉक्स है और ऐसा कुछ स्पीकर मैंने खुद अपने हाथ से बनाए हुए हैं। ये सारे टेप वगैरह, पैकिंग करने का सामान, कलर वगैरह, ये कुछ नया है अभी ये बन रहा है। ये की होल्डर है, की होल्डर में ये नया पीस है, यहाँ पर हुक लगे हुए हैं, ये सारे हुक लगे हुए हैं, ये टांगने के लिए हुक लगा हुआ है और ये कुछ ऐसा वर्क है। इसमें मिरर लगाना बाकी है फ्रेम के साथ, ये सारे पड़े हुए, ये सब साथ में सारा काम एक साथ हो रहा है। यहाँ पर कंप्यूटर टेबल है, ये पार्सल करने के रेडी है, ये पार्सल हो चुका है, ये है राजकोट का पार्सल, ये काटा लगा हुआ है यहाँ पर वजन करने के लिए। ये मेरा कंप्यूटर है, इसमें वर्क शुरू है, देख लो आप कितना वर्क एक साथ शुरू है। यहाँ पर वीडियो एडिटिंग का काम, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारा देवी माता का मंदिर है, आप भी दर्शन कर लो, माता श्री का मंदिर, चामुंडा माता जी चोटीला वाले चामुंडा माता जी का मंदिर है। ये हमारे कुल देवता है, कुल देवी है। ये नरवाण यंत्र है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर हनुमान जी विराजमान हैं, यहाँ पर श्री गणेश जी विराजमान हैं, ये हमारे भोले बाबा का त्रिशूल, उसकी माला, और ये हमारे किशन कन्हैया, भगवान श्री कृष्ण, आरती वगैरह। यहाँ ये धूपबत्ती है, इसको अगरबत्ती नहीं बोलेंगे, धूपबत्ती है, ये ट्रेडिशनल धूपबत्ती है। यहाँ पर कलश रखा हुआ है, कलश, ये जो है श्री यंत्र है, श्री यंत्र, श्री चक्र बोलते हैं उसको भी, और आशापुरा माता जी का फोटो है यहाँ पर। तो ऐसा कुछ ये मंदिर भी हमने अपने हाथ से ही बनाया हुआ है। तो मैं धूपबत्ती बता रहा था, ये धूपबत्ती जलकर राख हो चुकी है, उसकी राख है, ये सारी राख है। ये रही वह धूपबत्ती, वो भी हम अपने घर पे ही बनाते हैं, ये वाली धूपबत्ती ये हम अपने घर पे ही बनाते हैं। ये ट्रेडिशनल गाय के गोबर में से बनी हुई धूपबत्ती है। ये घड़ी तो आप देख ही चुके कई बार, ठीक है। तो इतना मेरा वर्कशॉप है, नीचे भी काम चलता रहता है, आइए दिखाता हूँ, वो भी काम दिखाता हूँ मैं आपको, वहाँ पर क्या चल रहा है।